मंत्री द्वारा पूरा भारत खुलेगा और हर राज्य में ये था कि आप ही तय करिए कब खुलेगा। आगरा शहर अभी ज्यादातर बंद है क्योंकि वहाँ कोरोना भी वायरस अभी कंट्रोल में आया नहीं है, लेकिन वहाँ में जहाँ एक ही केस था वो भी ठीक हो गया है और अभी तक हम लोग दोबारा किसी केस का सुने नहीं है। तो आज बैठक ये एसडीएम साहब द्वारा करी गई थी और हम चाहते थे कि हो जाए, हम लोग तय करें कितनी बजे से कितनी बजे सब दुकानें खुले, और ये तय हो गया कि 6 बजे से लेकर 11 बजे एक तरफ की दुकान 6 बजे से 11 बजे रोज खुलेगी, संडे इतवार के दिन पूरा मार्केट बंद है। एक दिन कल से शुरुआत होगी तो हम लोग एक तरफ का खोलेंगे, जो राइट हैंड साइड वाली है तहसील की तरफ वाली दुकानें हैं वो खुलेंगी, और परसों दूसरी तरफ वाली दुकानें खुलेंगी, दोनों एक साथ नहीं खुलेंगे, अलग अलग दिन, अलग अलग दिन, एक दिन ये एक दिन ये, कि ट्रैफिक ना बढ़े और भीड़ ना हो। और दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बैरिकेडिंग लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हर एक मास्क पहने, साबुन और पानी जरूर रखो बाहर, और जो भी आपके यहाँ आए उससे भी कहिए कि मुंह अपना बांध के ही रखें। डिस्कस कर लीजिए ताकि सबको एक समान मैसेज रहे एक तरीके से हो। मेन साबर की मंशा है कि आम जनता को सुविधाएं दी जाए, अब क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन है, कभी परेशानी हो रही हर तरीके की, आप लोग सब हम लोग सभी लोग झेल रहे हैं। साबर की मंशा है कि सभी को हम लोग कुछ न कुछ सुविधाएं दें, उनको आसानी हो। लेकिन कोरोना का जो महामारी है ये अभी हमारे भारत वर्ष में बढ़ती जा रही है। आगरा में कंट्रोल हुआ है लेकिन अभी भारत वर्ष में बढ़ती जा रही है, विश्व में बढ़ती जा रही है, तो इसे अब भी एहतियात की आवश्यकता है। छूट के साथ साथ ऐसा ना हो कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम लागू है उसका उल्लंघन होने लगे, ऐसा ना होने पाए। सभी लोग का दायित्व है हम लोग का कि हम लोग कोरोना को उतनी ही सख्ती से पालन कराएं जैसे पहले हो रहा था। दुकान खुलने का मतलब नहीं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।